जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। दोस्तों यहाँ पर राशन कार्ड से लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 1 सितंबर 2019 से आपका राशन कार्ड हो जाएगा बंद। दोस्तों यह सीधे सीधे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस न्यूज़ जारी हुई है, जिसके लिए आपको जानना और सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक भारत के निवासी हैं, अगर आप कोटे पर जो कि यहाँ पर सरकारी गले लेने जाते हैं, आप गेहूँ और चावल लेने जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। किसी भी पार्ट को बिना भगाए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 सितंबर 2019 हो सकता है कि आपके कोटे पर जो कि आपको राशन न मिले। दोस्तों यहाँ पर अभी अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने यह गाइडलाइंस न्यूज़ जारी किए हैं कि यहाँ पर 1 सितंबर 2019 से कैसे आपको राशन मिलेगा और दोस्तों किन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको राशन कार्ड जो कि नहीं मिलेगा और आपका जो कि यहाँ पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी राशन कार्ड से संबंधित देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर 1 सितंबर पर राशन कार्ड से क्या यहाँ पर नए नियम निकल कर आए हैं, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आज मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगा और कैसा आपको राशन कार्ड बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बड़ी गाइडलाइंस न्यूज़ जारी हुई है वो यहाँ पर जारी हुई है कि जो आपका राशन कार्ड नया बनता था वो यहाँ पर राज्यसभा से बनता था, लेकिन अब जो आपका राशन कार्ड नया बनेगा वो केंद्र जो कि सरकार आपके जो कि राशन कार्ड बनाएगी। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि आपको जो राशन मिलते थे वो फिंगरप्रिंट के द्वारा मिलते थे, लेकिन ऐसे में देखते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा जो कि सूचना कर दी है कि अब आपका जो कि भारत में केवल एक ही राशन कार्ड बनेगा। दोस्तों यानी कि एक देश एक राशन कार्ड, केवल आपका एक ही राशन कार्ड बनेगा और उसी पर आपका हमेशा रिन्यूअल होता रहेगा, यानी कि उसी पर जो कि आपको हमेशा राशन मिलता रहेगा। और दोस्तों ये आपका बहुत ही जो कि आपका मोटा जो कि राशन कार्ड बनेगा पासपोर्ट साइज जैसा, यानी कि जिस तरह आपका पासपोर्ट बनता है उसी तरह जो कि आपका नया राशन कार्ड बनेगा और जो आपका ये पुराना वाला राशन कार्ड है उससे आपको राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों ये अभी अभी जो कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने गाइडलाइंस न्यूज़ जारी हुआ है, 1 सितंबर 2019 से पूरे भारत में नए नियम लागू होने वाले हैं कि 1 सितंबर 2019 से आपको इस जो कि राशन कार्ड से राशन नहीं मिलेगा, आपको एक नया जो कि राशन कार्ड बनेगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा बनेगा और जो ये जो आपका राशन कार्ड बनता था वो राज्यसभा द्वारा हमारे बनता था, राज्यसभा ही निर्णय लेती थी कि आपको कैसा जो कि राशन मिलेगा, किस प्रकार से जो कि आपको राशन मिलेगा, ये सारा कुछ जो कि मामला तय करती थी वो हमारी राज्यसभा तय करती थी। लेकिन अब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें खुद अपने हाथों में ले लिए हैं और ये काम खुद करेंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि केंद्र सरकार खुद करेगी, आपको नया राशन कार्ड बनाएगी जो कि आपका डिजिटल राशन कार्ड होगा, उसके द्वारा ही जो कि आपको राशन हर महीने मिलेगा। और दोस्तों सबसे खुशी वाली बात यह है कि ये जब आपका राशन कार्ड बन जाएगा तो आपको 60 किलो चावल और 65 किलो गेहूं आपको यहाँ पर हर महीने मिलेगा। तो ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस है और ये केवल गरीब से गरीब लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और उन्हीं का जो कि ये डिजिटल राशन कार्ड बनेगा। तो 1 सितंबर 2019 से पूरे भारत में नए नियम लागू होने वाला है और 1 सितंबर 2019 से पूरे भारत में जो कि यहाँ पर ये राशन कार्ड बंद हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ी खबर थी, मैं आपको जानकारी जरूरी देना समझा किस, क्योंकि यहाँ पर राशन कार्ड के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कुछ भी मन में क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।